इजराइल और हमास की जंग के बीच पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाला ईरान हमास और हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों को न सिर्फ पैसे पहुंचाता है बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई करता है। और अगर ईरान में बनाए गए तीनों परमाणु बमों में एक भी इन संगठनों के हाथ लग गया तो दुनिया में कैसी तबाही मचेगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हमास के साथ इजराइल की जंग के दौरान आए दिन ईरान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और गाजा पर इजराइल के हमलों को उसकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजराइल के पीछे हथियार और गोला बारूद लेकर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी अगर परमाणु हथियारों के साथ ईरान जंग में कूदा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी दशकों पुरानी और बीते कुछ साल से दोनों के बीच जंग की तलवार खिंची हुई है। और इसी वजह से दुनिया को डर सताने लगा कि अमेरिका और इजराइल को रोजाना बदले की धमकी देने वाला ईरान कहीं युद्ध का नया मोर्चा ना खोल दे। जंग की दहलीज पर खड़े अमेरिका और ईरान 35 साल पहले भी एक दूसरे से सीधी जंग लड़ चुके हैं, लेकिन गाजा पर इजराइल के हमलों और अमेरिका की इजराइल को खुली मदद से ईरान का खून खौल रहा है। और बीते 40 दिन में दोनों एक दूसरे को कई बार जंग की धमकी भी दे चुके हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़े हुए तनाव के बीच यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के होश उड़ा दिए। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने करीब 128 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर लिया। IAEA के मुताबिक एक परमाणु बम बनाने के लिए 42 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है और जितना यूरेनियम ईरान के पास है वो 3 परमाणु बम आसानी से बना सकता है। लेकिन परेशानी उस यूरेनियम की शुद्धता से। IAEA का मानना है कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन ईरान के पास मौजूद यूरेनियम उतना शुद्ध है या नहीं इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। ईरान दुनिया की नजरों से छिपाकर अपना परमाणु कार्यक्रम चलाता है। उसके पास परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की शांति के लिए खतरनाक बताते हुए अमेरिका और इजराइल ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु बम गलत हाथों में चले गए तो दुनिया में महातबाही आ सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की 24 घंटे नजर बनी हुई है। और उसी के आधार पर सितंबर महीने में ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ईरान के पास 14 दिन के अंदर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक और बुनियादी ढांचा मौजूद है। यानी वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। करीब 22 साल से ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि 2010 में उसे रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। यहां तक कि जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया था। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइटों को ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए सुपर एक्टिव कर दिया है, जिसके बाद ईरान की न्यूक्लियर साइटों से सामने आई तस्वीरों ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के शक को शीशे की तरह साफ कर दिया था। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि ईरान पहाड़ी इलाके में सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदकर परमाणु हथियार बना रहा है। और अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां दुनिया से छिपा रहा है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट की जो तस्वीरें जारी की थी उन्होंने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। दावा किया गया कि दुनिया की नजरों से बचाने के लिए ईरान ने सैकड़ों फीट गहराई में सुरंगें खोदकर अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाया, ताकि अमेरिका या फिर इजराइल की सैटेलाइट से और मिसाइल हमलों से उन्हें बचाया जा सके। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान ने जमीन के अंदर 260 फीट से 328 फीट की गहराई तक सुरंगें खोदकर न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया था। अमेरिका के मुताबिक नतांज में ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। इस न्यूक्लियर साइट को तैयार करने के लिए ईरान ने जागरोस के पहाड़ों के बीच सुरंगें खोदी थी। और दावा किया जाता है कि ईरान की ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इन पर कोई भी हमला बेअसर साबित होगा। यानी ईरान ने पाताल लोक में परमाणु बम बनाने के लिए एक ऐसा प्लांट बना लिया जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी।
और ईरान अपने ऊपर लग रहे परमाणु बम बनाने के आरोपों को लगातार खारिज करता रहा और उल्टे अमेरिका पर यह आरोप लगा दिए कि उसने उसके दुश्मनों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की। हालांकि यूएन की संस्था आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जोरदार हमले किए और उस पर परमाणु हथियारों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ईरान ने 6 जगहों पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं और वो दावा करता है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने ये न्यूक्लियर प्लांट लगाए हैं। लेकिन दावा किया जाता है कि नतांज और फोर्दो में जमीन के अंदर बनी न्यूक्लियर साइटों पर वो सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम तैयार करता है और दावा किया जाता है कि इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट से इकट्ठा किए गए यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में कर रहे हैं। खतरा इस बात का भी है कि ईरान के परमाणु हथियार बना लेने के बाद पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी, जो पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महाविनाश की वजह बन सकती है। परमाणु बम के साथ ही ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाई है, जिससे वो जंग होने पर अमेरिका और इसराइल से सीधी टक्कर ले सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज में इसराइल के कई बड़े शहर हैं। यानी ईरान ने अपने दुश्मन से भिड़ने के लिए ऐसी मिसाइल तैयार कर ली जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। एक रोज पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इन मिसाइलों का जायजा लिया। वो तेहरान में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी में पहुंचे थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को IRGC ने विकसित किया है। IRGC ने बताया कि उनकी फतह 2 मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और दुश्मन पर हमला कर सकती है। ईरान ने दावा किया कि फतह 2 मिसाइल अमेरिका और इसराइल की मिसाइलों से कहीं ज्यादा आधुनिक और मारक है। ईरान की इस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को इसराइल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। गाजा पर हवाई हमलों के दौरान ईरान इसराइल को जंग की खुली धमकी दे चुका है और अपनी मिसाइलों का मुंह उसकी तरफ तैनात करने का दावा कर चुका है। ईरान इसराइल के साथ ही उसका साथ दे रहे अमेरिका को भी खुली धमकी दे चुका है और अगर गाजा में आग लगी तो उसकी लपटें उसे भी जला देंगे। यानी इसराइल और हमास की जंग में ईरान सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ सकता है। हालांकि इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल के हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद से पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को वहां के चरमपंथी संगठनों ने निशाना बनाया। इराक और सीरिया वो देश हैं जहां ईरान की तूती बोलती है। इराक तो ईरान का पड़ोसी है जहां ईरान कई लड़ाकों का समर्थन करता है और वो लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वहीं सीरिया इसराइल का दुश्मन है और ईरान का पक्का दोस्त। यानी इसराइल और हमास की जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और ईरान के तेवर से माना जा रहा है कि ये जंग और बड़ी हो सकती है। ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी लड़ाकों ने समंदर में एक जहाज हाईजैक कर लिया। दावा किया कि उन्होंने इसराइल का जहाज हाईजैक किया और इसलिए इसे समंदर में इसराइल और अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती माना गया, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने डंके की चोट पर दावा किया कि इसराइल का एक जहाज उनके कब्जे में और वो आगे भी लाल सागर में इसराइल के जहाजों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि गैलेक्सी लीडर नाम का इसराइल का जहाज उन्होंने हाईजैक कर लिया। हूथी लड़ाकों ने जिस जहाज को पकड़ा वो तुर्की से भारत की ओर आ रहा था, लेकिन लाल सागर में यमन के नजदीक पहुंचते ही हूथी लड़ाकों ने जहाज को हाईजैक कर लिया और उसे यमन के बंदरगाह पर ले गए, जिसके बाद हूथी लड़ाकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि इसराइल का एक जहाज उनके कब्जे में है जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। और हूथी लड़ाकों का कहना है कि वो लाल सागर में इसराइल के दूसरे जहाजों को भी निशाना बनाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इसराइल की परेशानी बढ़ाने की तैयारी कर ली। उन्होंने पहले लाल सागर के ऊपर से इसराइल पर मिसाइलें दागी और अब वो इसराइल के जहाजों का लाल सागर से आना जाना मुश्किल करना चाहते हैं, क्योंकि जहाज हाईजैक करने के बाद हूथी लड़ाकों ने इसराइल को सीधी चुनौती दी और बयान दिया कि हूथी विद्रोही उन जहाजों को टारगेट करेंगे जिन पर इसराइल के झंडे लगे होंगे। इसराइल की कंपनियों के जहाज भी उनके निशाने पर होंगे।
इसलिए जिन जिन देशों के नागरिक इसराइल के जहाजों पर क्रू मेंबर की तरह काम कर रहे हैं वो उन्हें वापस बुला लें, क्योंकि हुथी विद्रोही समंदर में इसराइल के जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को हाईजैक करके कर दी। और पूरी तैयारी से जहाज का अपहरण करने का दावा किया। खबर है कि गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को आखिरी बार 2 दिन पहले लाल सागर में देखा गया था, जिसके बाद जहाज के बारे में कुछ पता नहीं चला और फिर खबर आई कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया और हूथी लड़ाके उसे अपने साथ यमन लेकर चले गए। हूथी लड़ाकों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जैसे ही जहाज यमन के नजदीक पहुंचा, हूथी लड़ाकों का हेलीकॉप्टर जहाज के ठीक ऊपर पहुंच गया और धीरे धीरे कई हूथी लड़ाके जहाज पर उतर गए, जिसके बाद उन्होंने जहाज को कब्जे में ले लिया। और इसी के साथ संकेत मिल गए कि लाल सागर में जंग का एक नया मैदान तैयार हो रहा है, जिसमें हूथी लड़ाके इसराइल से सीधा भिड़ने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्होंने केवल जहाज का अपहरण ही नहीं किया बल्कि ये भी बोल दिया कि लाल सागर में यमन के नजदीक से इसराइल का जो जहाज गुजरेगा हूथी लड़ाके उसे अगवा कर लेंगे। लेकिन इसराइल ने हूथी लड़ाकों के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि लाल सागर में हाईजैक किया गया जहाज उसका नहीं था और उस जहाज पर एक भी क्रू मेंबर इसराइल का नहीं है, यानी इसराइल ने हूथी लड़ाकों के दावे को ही नकार दिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इसराइल का है ही नहीं। हालांकि उसने ये माना कि हूथी लड़ाकों ने एक इंटरनेशनल मालवाहक जहाज पकड़ा है जो तुर्की से भारत रवाना हुआ था और उस जहाज पर यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको समेत कई देशों के 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं, जिनमें एक भी इसराइल का नागरिक नहीं है। यही नहीं, इसराइल ने कहा कि इस मालवाहक जहाज की मालिक ब्रिटेन की एक कंपनी है और जापान की एक कंपनी इस जहाज को चला रही थी। आसान शब्दों में कहें तो ब्रिटेन के जहाज को जापान इस्तेमाल कर रहा था, ये दावा इसराइल ने किया और हूथी लड़ाकों के इसराइल का जहाज हाईजैक करने के दावे को ही नकार दिया। या यूं कहें कि इसराइल ने ईरान की हूथी लड़ाकों के जरिए उसे घेरने की प्लानिंग फेल करने की कोशिश की, क्योंकि इसराइल ने केवल उसका जहाज हाईजैक होने की खबर खारिज नहीं की बल्कि इस मामले में ईरान को भी घसीट लिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों का ये कदम ईरान की एक आतंकी हरकत है। यमन के हूथी लड़ाकों के सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है और इसीलिए इसराइल ने इस मामले में बेझिझक होकर ईरान का नाम लिया। गाजा जंग के बाद इसराइल और ईरान के बीच का तनाव बढ़ चुका है और जैसे ही खबर आई कि हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज का अपहरण किया है, इसराइल आक्रामक हो गया और नेतन्याहू के कार्यालय का बयान आया कि ये ईरान की एक और आतंकी हरकत है जो समंदर के उन रास्तों पर खतरा बढ़ाती है जहां से अलग अलग देशों के जहाज गुजरते हैं, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके लाल सागर में खुली जंग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने इसराइल के झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाने की चुनौती भी दी। लाल सागर में जहाज हाईजैक करने से कुछ घंटे पहले भी हूथी लड़ाकों ने धमकी दी थी। हूथी लड़ाकों ने इसराइल को सीधी धमकी दी और बोल दिया कि वो इसराइल के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा में जंग नहीं रुकती। और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि वो लाल सागर में इसराइल के जहाजों को बार बार निशाना बनाएंगे। हालांकि इसराइल ने इस बात से मना कर दिया कि उसका जहाज हूथी लड़ाकों के कब्जे में, लेकिन खबर आई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इसराइल के एक बड़े कारोबारी का है, जबकि इसराइल का कहना है कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो ब्रिटेन की कंपनी का है। यानी जहाज किस देश का है इसी पर पेच फंस गया, क्योंकि हूथी लड़ाके अपनी पीठ ये कहकर थपथपा रहे हैं कि उन्होंने इसराइल का जहाज अगवा कर लिया, जबकि इसराइल ने गैलेक्सी लीडर को अपना जहाज मानने से ही मना कर दिया और दुनिया इस बात पर फंस गई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो असल में किसका है, क्योंकि हूथी लड़ाकों का दावा अलग है और इसराइल का अलग। सारी उठापटक के बीच ये तो पक्का है कि हमास और हिजबुल्ला के बाद हूथी लड़ाके भी इसराइल का तनाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गाजा में जंग के बाद इसराइल उनके निशाने पर आ गया और वो सीज फायर की मांग करते हुए इसराइल को धमका भी चुके हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से दक्षिणी इसराइल के एलर्ट शहर पर मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने एलर्ट पर ड्रोन से भी अटैक किया था। एक ड्रोन तो एलर्ट में एक रिहायशी इमारत से टकरा भी गया था, जिसके बाद इसराइल अलर्ट हो गया। उसने लाल सागर में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए। न्यूज 18 की टीम भी दक्षिणी इसराइल के एलर्ट शहर पहुंची, जहां लाल सागर में इसराइल की नौसेना
हूथी लड़ाकों से भिड़ने की तैयारी करती नजर आई। हम लाल सागर के पास मौजूद हैं, इजराइल की सीमा के अंदर बोट को आप देख सकते हैं लाल सागर में जो इजराइल के हैं और लगातार सीमा की निगरानी करें। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर के रास्ते जब इजराइल पर मिसाइलें दागी थी तो अमेरिका भी सावधान हो गया था। उसने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया था और बाकी का काम इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कर दिया था, जिसे हूथी लड़ाकों के सक्रिय होते ही दक्षिणी इजराइल में सीमा पर तैनात कर दिया गया था। पिछले कई हफ्तों से एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने लाल सागर में हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन हूथी लड़ाके नहीं रुके, उल्टा उन्होंने इजराइल पर हमले तेज करने के संकेत दे दिए, जिसके लिए लाल सागर में जंग का माहौल बनता दिखा, क्योंकि हूथी लड़ाके लाल सागर के रास्ते ही मिसाइलें दाग रहे हैं और इसीलिए इजराइल ने वहां अपने जंगी जहाजों की गश्त बढ़ा दी। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है, जिसकी सीमाएं यमन, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों से लगती हैं। इसके पूर्वी छोर पर सऊदी अरब और यमन जैसे देश, जबकि पश्चिमी छोर पर मिस्र और सूडान जैसे देश, और इन सब के बीच इजराइल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजराइल का एलर्ट शहर बसा है। हूथी लड़ाकों के निशाने पर दक्षिणी इजराइल का यही शहर है, जिसे इजराइल के सबसे शांत शहरों में गिना जाता है। लेकिन गाजा की जंग की आंच इजराइल के इस शहर तक भी पहुंच गई, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हमास का साथ देने के लिए हूथी लड़ाके मैदान में आ गए। और यमन की राजधानी सना से करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के एलर्ट शहर पर मिसाइलें दागने लगे। यही नहीं, जैसे ही हूथी लड़ाकों ने इजराइल का जहाज हाईजैक करने का दावा किया, हमास का बयान आ गया, जिसमें उसने कहा कि हूथी लड़ाकों का ये कदम तारीफ के काबिल है। जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल एच कहे जाने वाले हिजबुल्लाह, हूथी और हमास के लड़ाके एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और इन तीनों कट्टरपंथी संगठनों की आड़ में ईरान अपना काम कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला को ईरान ने बनाया था। गाजा जंग में ईरान ने हमास का साथ दिया और हूथी लड़ाकों के सिर पर भी ईरान का हाथ है, और इसीलिए कहा जाता है कि ट्रिपल एच जो करते हैं वो ईरान के इशारे पर करते हैं। जैसे ही हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इसराइल से भिड़ने का ऐलान किया, इसराइल ने ईरान पर निशाना साधना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि हूथी लड़ाकों को हथियार और तकनीक दोनों ईरान से ही मिलती, और इसीलिए इसराइल ने लाल सागर में जहाज के अपहरण का कनेक्शन सीधा ईरान से जोड़ दिया। यही नहीं, उसने इसे ईरान की आतंकी हरकत बोल दिया। मतलब ये कि इसराइल ने हूथी लड़ाकों को नहीं बल्कि उनकी आड़ में जंग लड़ रहे ईरान को टारगेट किया, क्योंकि लाल सागर में इसराइल के जहाजों पर संकट मंडराने से सबसे ज्यादा फायदा ईरान को ही हो सकता है, क्योंकि अगर हूथी लड़ाकों का सामना इसराइल से हुआ तो उनसे लड़ने अमेरिका भी आएगा, और हूथी लड़ाके इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए अमेरिका भी सावधान हो गया। उसने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर डाली, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने खतरनाक जंगी जहाज को ईरान के पास तैनात कर दिया, उसके खतरनाक बॉम्बर भी ईरान के आसपास मंडराने लगे, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका की नजर ट्रिपल एच पर भी है और उसके पीछे से पश्चिम एशिया में खेल खेलने वाले ईरान पर भी, और इसीलिए अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि केवल उसका जंगी जहाज ही नहीं बल्कि अमेरिका का B-1 बॉमर भी तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। इसके अलावा लाल सागर और ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए। ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती है, जहां अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच डाला। ईरान गाजा जंग की आड़ में ट्रिपल एच को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पहले उसने लेबनान के रास्ते इजराइल पर हमले की जमीन तैयार की और अब यमन के रास्ते दक्षिणी इजराइल को निशाना बना रहा है, जिसके लिए लाल सागर में माहौल गर्माता दिखाई दिया, क्योंकि यमन के कट्टरपंथी शिया हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जहाजों को अगवा करने का प्लान बनाया
फिलहाल तो हूथी लड़ाके इसराइल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जैसे संकेत हैं उनसे लगा कि हूथी लड़ाके इसराइल के दोस्त अमेरिका पर भी हमला करेंगे और लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका के जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं। जिसके बाद इसराइल ने बिना घुमाए फिराए बोल दिया कि ईरान समंदर में इसराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहा है और आतंकी हरकतें कर रहा है। यानी इसराइल और अमेरिका को पता है कि हूथी लड़ाके खुद कुछ नहीं कर रहे बल्कि ईरान उनसे ये करवा रहा है, क्योंकि वो समंदर, जमीन और आसमान में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों को आगे खड़ा कर रहा है और उनकी आड़ में पूरे पश्चिम एशिया को जंग में झोंकने की साजिश रच रहा है। हिजबुल्ला ने सिर्फ हमले ही नहीं किए बल्कि एक वीडियो जारी कर इसराइल को बड़ी धमकी भी दे दी। हिजबुल्ला ने इस वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की कि उसके लड़ाके सीमा पार करके भी इसराइल की जमीन पर हमले बोलने के लिए तैयार हैं। यानी वो इसराइल की सीमा में घुसकर कभी भी उसके साथ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। हिजबुल्ला और इसराइल के बीच सीमा पर 7 अक्टूबर के बाद से ही लड़ाई छिड़ी हुई, लेकिन अब तक दोनों एक दूसरे पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से ही हमले बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब हिजबुल्ला ने वीडियो जारी करके इसराइल को चेतावनी दी कि वो आ रहे हैं, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल की सीमा पार जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यानी जो लड़ाके सीमा पार से इसराइल की सेना को चुनौती दे रहे थे वो सीधे इसराइल में घुसकर वहां कत्लेआम मचा सकते हैं। इसका मतलब ये कि इसराइल पर एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार उसका दुश्मन हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। हिजबुल्ला ने वीडियो जारी कर ये बता दिया कि इसराइल के लिए वो हमास से कहीं बड़ा खतरा है। हिजबुल्ला के जोरदार हमले की जानकारी खुद इसराइल की सेना की तरफ से दी गई। सेना ने यह जानकारी दी कि एक घंटे के अंदर ही हिजबुल्ला ने उसके कई इलाकों पर 3 ड्रोन और 25 रॉकेट दाग दी। यानी हिजबुल्ला ने एक साथ ऐसे ताबड़तोड़ हमले बोले कि इसराइल की फौज भी कुछ देर के लिए खौफ से भर गई। हालांकि इसराइल की सेना ने तुरंत पलटवार शुरू किया और लेबनान की तरफ से दागे गए तीनों ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि हिजबुल्ला की तरफ से दागे गए 25 रॉकेट में कुछ इसराइल के इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन इसराइल ने दावा किया कि वो ऐसे इलाकों में गिरे जिनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यानी इस बार इसराइल ने हिजबुल्ला के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। माना जा रहा है कि इसराइल के लिए खतरा टलने वाला नहीं है, क्योंकि हिजबुल्ला अपने ठिकानों पर हुए इसराइल के हमले से बुरी तरह बौखलाया हुआ। हिजबुल्ला के हमलों से पहले इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर वहां तबाही मचा दी, जिससे भड़का हिजबुल्ला अब युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गया ताकि वो इसराइल के हमलों का बदला ले सके। क्योंकि इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी खतरनाक मिसाइलें दाग कर वहां बने एल्युमिनियम प्लांट को तबाह कर दिया। बताया गया कि इसराइल की फौज ने एल्युमिनियम प्लांट पर ड्रोन के जरिए हमले किए, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। हालांकि इसराइल के इस भीषण हमले में किसी के मारे जाने का दावा नहीं किया गया, लेकिन इसराइल की इस कार्रवाई से हिजबुल्ला उस पर भड़क गया और माना जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान पर हुई एयर स्ट्राइक की वजह से ही हिजबुल्ला अब इसराइल के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, जिसमें ईरान उसकी खुलकर मदद कर रहा है। जो जंग में इसराइल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर नहीं लेकिन दावा है कि उसके हथियारों के दम पर ही हमास के लड़ाके इसराइल की सेना पर हमले कर रहे हैं, और दावा है कि हमास के साथ हिजबुल्ला के लड़ाके भी ईरान के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसराइल की सेना के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। क्योंकि ईरान जंग में खुले तौर पर इसराइल का विरोध कर रहा है और माना जा रहा है कि वो इसराइल से सीधी जंग नहीं लड़ना चाहता, इसलिए ईरान उसके दुश्मनों यानी हमास और हिजबुल्ला का मददगार बनकर उन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जो इसराइल के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए इसराइल अपने दोस्त अमेरिका की मदद लेकर उसके ठिकानों पर हमले करवा रहा है, क्योंकि सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ईरान को अपना दुश्मन मानता है। अमेरिका की सेना ने तो कुछ दिनों पहले ही सीरिया में ईरान के चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया था, क्योंकि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के 10 दिन बाद ही सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों ने हमले कर दिए थे। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि हमास और हिजबुल्ला जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों का एक साथ सफाया हो सके, क्योंकि ईरान ही इन दोनों संगठनों को और ताकतवर बनाने में जुटा है और उन्हें मिटाना अमेरिका और इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है।
माना जा रहा है कि ईरान इसराइल और उसके समर्थन में आए देशों को जंग में उलझाए रखना चाहता है। इसलिए तो उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रही है। और आरोप है कि इसमें ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों का भी हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान ये नहीं चाहता कि कोई भी देश इसराइल की ढाल बने। लेकिन इसराइल और अमेरिका भी पीछे नहीं हटना चाहते। अमेरिका की सेना सीरिया और इराक में ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके अल शिफा अस्पताल में ही बंधकों को लेकर आए थे और बाद में उन्हें सुरंग के जरिए दूसरी जगहों पर भेजा गया। इसराइल की सेना की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में हथियारों से लैस कुछ लोग एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे जबरदस्ती अल शिफा अस्पताल के अंदर ले जाते नजर आए, जबकि एक दूसरा आदमी बुरी तरह घायल दिखाई दिया, उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। इसराइल की सेना ने दावा किया कि हमास ने इसी तरह से बंधकों के साथ बर्बरता की और 7 अक्टूबर को उन्हें जबरदस्ती इसराइल से गाजा के अल शिफा अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इसराइल की सेना के मुताबिक उस वीडियो में हमास के लड़ाके जिन 2 लोगों को जबरदस्ती अस्पताल में ले जाते दिखाई दिए वो नेपाल और थाईलैंड के नागरिक हैं। हालांकि उन दोनों को अल शिफा अस्पताल में पहुंचाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बाद में कहां छिपाया गया, इसराइल की